नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम एजुकेशन से रिलेटेड असाइनमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। देखा जाए तो ज्यादातर डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों को असाइनमेंट की जरूरत होती है। आइए देखते हैं कि असाइनमेंट जमा करने से क्या फायदा है। दोस्तों, NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसको ओपन स्कूल भी कहते हैं। इसमें 10वीं और 12वीं होती है और 10वीं और 12वीं जो कर रहे होते हैं सभी को असाइनमेंट जमा कराने होते हैं। और इग्नू जो कि इसके बाद 12वीं के बाद BA, BCOM यानी कि 12th के बाद का जो कोर्स होता है वो इग्नू से कर सकते हैं। तो इग्नू में जो पढ़ रहे हैं सभी विद्यार्थी उसको असाइनमेंट जमा कराने की जरूरत होती है। आइए देखते हैं असाइनमेंट में कितने मार्क्स मिलते हैं। दोस्तों, NIOS में 20% थ्योरी का मार्क्स मिलता है जो आपके मार्कशीट में ऐड होके आएगा। लाइक मार्कशीट की बात करें, मार्कशीट में कॉलम होता है ये थ्योरी का हो गया, ये प्रैक्टिकल का हो गया और ये TMA का हो गया। तो मान लो थ्योरी में आया 5, प्रैक्टिकल में आया 2 और TMA में आया 3, तो ये जो टोटल मार्क्स है 10 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार मार्कशीट में ऐड होके आता है। सपोज करो कि जिसमें प्रैक्टिकल ना हो, मान लो कि हिंदी इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, ये 100 नंबर का होता है, तो 100 का 20% यानी कि थ्योरी का 20%, तो 100 का 20% आपका 20 नंबर, ये 20 नंबर का आपका असाइनमेंट हो गया हिंदी इंग्लिश जिसमें कि प्रैक्टिकल नहीं। और जिसमें प्रैक्टिकल है, सपोज करो साइंस में प्रैक्टिकल है 15 नंबर का, तो 100 में 15 घटा दो 85 नंबर वाला, इसका 20% यानी कि 17 नंबर, तो इसका टोटल जो असाइनमेंट का नंबर हुआ वो 17। और इग्नू की बात करें तो इग्नू में 30% वेटेज मिलता है थ्योरी पेपर का। मान लो कि 100 नंबर का अगर थ्योरी है उसमें से 30% वेटेज मिलेगा। दोस्तों, ग्रोथ एजुकेशन पॉइंट आपके TMA बनाने में मदद करता है। जैसे असाइनमेंट कौन सी पेज में बनानी होगी, TMA की बुक नहीं मिली है तो क्या करें, असाइनमेंट के आंसर कैसे लिखें, असाइनमेंट कहाँ जमा कराना है, असाइनमेंट कब तक जमा कराना है, इसकी लास्ट डेट क्या है, नहीं जमा कराने से क्या होगा, क्या असाइनमेंट लास्ट डेट के बाद जमा करा सकते हैं, इन सभी प्रश्नों से जूझ रहे विद्यार्थी आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझे 9582489391 पे कॉल कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप जो विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन भी कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सूचना दे दें कि 1 मई 2017 को एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें विद्यार्थी अगर असाइनमेंट जमा नहीं करा सकता है लास्ट डेट 31 जुलाई 2017 तक, अक्टूबर एग्जाम के लिए जो 31 जुलाई तक नहीं जमा करा सकता है वो अगर बाद में जमा कराना चाहता है तो उसको ₹1500 पर सब्जेक्ट लेट फीस देना होगा।
तब उनकी असाइनमेंट जमा होगी और उसको असाइनमेंट का मार्क्स मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको असाइनमेंट बनाने में किसी तरह की प्रॉब्लम हो, अगर किसी क्वेश्चन को हल नहीं कर पाए, अगर आप सॉल्यूशन भी लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम ऑल ओवर इंडिया इग्नू और एनआईएस के असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा।